और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां जिला अस्पताल में 8,45,00,000 रुपयों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में जिले से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है। आरएमओ प्रतीक नवलखे सहित 6 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 3 यूट्यूब के पत्रकार और 1 पत्रकार और उनकी पत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया है। आरएमओ से साठगांठ कर फर्जी बिल लगाकर राशि का गबन किया गया है। 65 फर्म्स की पुलिस जांच कर रही है। बुरहानपुर शासकीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल के कबाड़ कांड के बाद यहां कोरोना काल में शासकीय मदों में आने वाली करोड़ों की राशि की बंदरबांट यहां पदस्थ रहे आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे के द्वारा किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में तेजी से जुटी तो सामने आया कि चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। राजेश निंबोरकर, संजय दुबे, गोपाल देवरकर ऐसे पत्रकार जो यूट्यूब के साथ प्रदेश के नामचीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों से जुड़े होने के चलते इन पत्रकारों ने ये सोच रखी कि हम पत्रकार हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। इस कांड में मुख्य आरोपी रहे डॉक्टर प्रदीप नवलखे के साथ मिली भगत कर लाखों और करोड़ों रुपयों के बिल फर्जी संस्थानों के नाम से लगाकर राशि का आहरण अपने खातों में कराकर ऐश में लग गए। लेकिन कबाड़ कांड के साथ रोगी कल्याण शासकीय मदों में आने वाली 8,45,00,000 की राशि में जब बंदरबांट का मामला सामने आया तो जिले के पुलिस कप्तान राहुल कुमार ने पत्रकारों के इस मुगालते को दूर कर दिया और राजेश निंबोरकर, संजय दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस मामले की जांच में गोपाल देवरकर और उनकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की जानकारी स्वयं पुलिस अधीक्षक ने दी है। 8,45,00,000 के इस मामले में कोई 65 से अधिक लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है, जिनमें जिला अस्पताल के बाबू, निम्न सफाई कर्मचारी, लेखा शाखा के मुख्य बाबू के साथ कुछ और बड़े नाम जिनमें मीडिया और नेताओं के भी नाम सामने आने की उम्मीद है। पुलिस ने जिला अस्पताल के अकाउंट शाखा के मुख्य लिपिक को 6,00,000 नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के एक नेता संजीव जाधव पर भी मामला दर्ज होने की जानकारी है। इनके द्वारा भी कोई 60,00,000 रुपए के फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण किया गया है। पुलिस इस मामले में बहुत बारीकी से जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन इसकी धीमी गति संदिग्धों को फरार होने और कानूनी सहायता लेने में भी मदद कर रही है। इसी का परिणाम है कि कुछ संदिग्ध शहर से फरार होकर अग्रिम जमानत के लिए जबलपुर में डेरा डाल रखे हैं। इसलिए यहाँ यह आवश्यक है कि पुलिस संदिग्धों की गिरफ्तारी तुरंत कर पूछताछ करे तो इस बंदरबांट मामले के बाकी संदिग्ध भी पुलिस की गिरफ्त में जल्द होंगे। वहीं जब इस पूरे मामले पर एसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जिले के कलेक्टर प्रेम सिंह ने कहा कि मामले को जैसा हम समझ रहे थे वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा और समय लगेगा ताकि गंभीरता से और जाँच होकर उचित कार्रवाई की जा सके। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में प्रारंभिक जांच में जो सामने आया था जिसमें डॉक्टर्स, कुछ यूट्यूबर्स और हमारे जिला अस्पताल के लिपिक, इन सब की सहभागिता और उससे जो है ये जो पैसा जो निकला था उनकी साजिश से, उसमें एक हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही है और उनकी संपत्तियों की जानकारी भी पुलिस पता कर रहा है। और चूँकि प्रकरण आर्थिक अपराध से संबंधित है तो हम लोग इसकी ऊपर के स्तर पर जाँच के लिए भी रिकमेंड करने का सोच रहे हैं और इनकी संपत्तियों की जैसी जानकारी आती है तो शासन के पैसे को रिकवर करने के लिए इनकी संपत्तियों को राजसात करना या संपत्तियों को कुर्क करके राशि की वसूली करना, वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी राशि इसमें इन्वॉल्व है, करोड़ों रुपए यहाँ शासन के इन्होंने खुद किया है। तो जितनी गंभीरता से हम इस प्रकरण को लगातार मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, इसमें भी कर रहे हैं, तो जैसे ही शासन के पैसे की पूरा आंकड़ा आ जाएगा उसकी रिकवरी करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, इसके अंदर हम लोगों ने एक संदीप जाधव करके एक आरोपी है उसका नाम जोड़ दिया था, उसको आज सुबह जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है, उसकी राउंड अप कर लिया है और अभी उसकी गिरफ्तारी जो प्रोसेस है वो पूरी करके आज कोर्ट में पेश कर देंगे उसको और उसका भी पीआर लेंगे। और साथ ही साथ में कल जैसे गोपाल देवकर की वाइफ जो है उसके उसका जो एक नया स्वामी नारायण ट्रेडर्स करके फॉर्म बनाई थी और उसमें से उसने फर्जी ट्रांजेक्शन किए थे,
उसके आधार पे उसको आरोपी मानकर अभी जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। उससे पूछताछ करेंगे कि वो फर्म जो है क्या उसी के द्वारा संचालित किया जा रहा था या किसी और के द्वारा, तो उसी के आधार पे अग्रिम आरोपी भी तय होगा।